अमरोहा जिले में 4 मई को मतदान होना है। आज पोलिंग पार्टियां रवाना की जा रही हैं। जिलाधिकारी बीके त्रिपाठी पोलिंग पार्टियों का निरीक्षण करने पहुंचे हैं। जानने लेते हैं सर, अमरोहा में 5 नगर पालिका 4 नगर पंचायतों पर चुनाव है, कितने बूथ बनाए गए हैं, कितने जो है शिक्षक लगाए गए हैं ड्यूटी में? जनपद अमरोहा में कुल 464 बूथ बनाए गए हैं। आप देख रहे हैं कि अमरोहा नगर पालिका परिषद के यहाँ पर पांडाल में लोग कार्मिक आए हुए हैं और अपनी सामग्री प्राप्त करके मिलान कर रहे हैं। हमारे जो पीठासीन अधिकारी हैं उनके साथ जो सहायक अधिकारी हैं लोग मिलान कर रहे हैं और इसके बाद प्रस्थान करेंगे। बसें लगा दी गई हैं, फोर्स भी हमारी आ गई है और बस ये लोग मिलान कर लेंगे। उसके बाद से अपने अपने जो गंतव्य स्थल है जहाँ जहाँ जिस बूथ पर ड्यूटी लगाई गई है वो वहाँ पर जाएंगे। आरक्षित जो हमारी टीम है वो यहाँ की यहीं पर रहेगी, इसी कॉलेज में ही हाल में रुकेगी। सर, लगभग कितने कर्मचारी इस व्यवस्था में जिले भर में लगाए गए हैं, कितने वोटर हैं जिले भर में? जिले भर में कुल वोटर 4,42,650 हैं और जो हमारे मतदान कार्मिक लगे हैं वो 2,060 मतदान कार्मिक लगाए गए हैं इसके लिए। थैंक यू। तो ये तो बात करने के लिए हमारे साथ जिलाधिकारी बीके त्रिपाठी, जिन्होंने बताया कि जिले भर में 2,000 के लगभग जो है कर्मचारी मतदान के ड्यूटी में लगाए गए हैं और सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम हैं। अफसर अली, एबीपी गंगा, अमरोहा। पोलिंग पार्टियां रवाना की जा रही हैं। जिले भर की 9 सीटें हैं जिसमें 5 नगर पालिका 4 नगर पंचायत। हमारे साथ बात करने के लिए पुलिस अधीक्षक आदित्य लांगे हैं। जाने लेते हैं सर, कितनी व्यवस्था सुरक्षा के लिए लगाई गई है, कितने कर्मी लगाए गए हैं? देखिए, आज क्योंकि पोलिंग पार्टीज यहाँ से रवाना होंगी, जो फोर्स है पोलिंग बूथ्स की वो भी साथ में रवाना होंगी, मतदान केंद्रों पर जाएगी। हम लोगों ने यहाँ पर स्ट्रॉन्ग रूम्स में भी अच्छी व्यवस्था करवा रखी है, जहाँ CCTV कैमराज और सुरक्षा गार्ड भी लगा रखी है। इसके अतिरिक्त जो हमारे जनपद की जो बाहर से फोर्स आनी थी इलेक्शन के लिए वो भी आ चुकी है। PAC भी हम लोग को आवंटित हो चुकी है और CAPF भी आवंटित हो चुकी है। तो कल सुबह से हमारी ड्यूटियाँ लग जाएंगी समय से और हम लोगों ने ये इंश्योर किया है कि बैरियर्स और पिकेट्स हम लोगों के जगह जगह लग जाएं। हम लोगों ने QRTs का व्यवस्थापन भी किया उसी तरीके से कि अगर कोई आपातकालीन सिचुएशन आती है तो उसको कैसे डील करना है। सबकी ड्रिल भी हो चुकी है, सबकी ब्रीफिंग भी हो चुकी है। चुनाव अच्छे से निष्पक्ष तरीके से हम लोग करवाएंगे। सर, जिले भर में बड़ा चुनाव है, कितने पुलिसकर्मी ड्यूटी में लगाए गए हैं और किस तरीके से शांतिपूर्वक ये चुनाव अब निपटाया जाएगा? सर देखिए, हमारे पास काफ़ी कंपनी PAC भी मिली है हम लोगों को और इसके अतिरिक्त सीमा सशस्त्र बल भी मिला है। 4 जनपदों से हमारे पास पुलिस फोर्स आई है। उसके अलावा हमारे जो जनपद का फोर्स है वो भी इसमें लगेगा। तो अभी फोर्स का जितनी भी मांग थी हम लोगों की पूरी हो चुकी है। इसके अतिरिक्त हम लोग जो होमगार्ड्स हैं वो भी यूज़ कर रहे हैं, PRD के जवान भी यूज़ करेंगे और महिलाओं की सुरक्षा के लिए वहाँ महिला पुलिसकर्मी भी लगाए गए हैं, इंक्लोजर्स भी लगाए गए हैं और सारी व्यवस्था पूरी कर ली गई है। सर, जिस तरीके से सोशल मीडिया पर क्या कोई निगरानी के लिए टीम गठित की गई है आपकी ओर से? जी हाँ, सोशल मीडिया पर 2400 घंटे हम लोगों की निगरानी चल रही है। बहुत सारी शिकायतें आई भी हैं और उन शिकायतों का तत्काल रूप से उसका हम लोगों ने मुकदमे भी कुछ जगह पंजीकृत कराए हैं और हम अपील यही करेंगे कि कोई भी कानून को हाथ में ना ले। अगर किसी के द्वारा कोई अगर गलत काम किया जाएगा तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये तो हमारे साथ बात करने के लिए पुलिस अधीक्षक आदित्य लांगे, जिन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर कड़ी निगरानी की जा रही है और जो भी इस तरीके की कोई अशांति फैलाता है तो उसके खिलाफ कठिन कार्रवाई की जाएगी। अफसर अली, ABP गंगा, अमरोहा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।